Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope आप लोग सब ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक. और आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. आज का जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए है जो कि मेरे जैसे प्रेग्नेंट मामाज हैं और साथ ही जो उनके साथ रहते हैं या फिर वो स्ट्रेंजर्स जो उनसे कुछ अलग अलग से सवाल करते हैं और बड़े अजीब से सवाल होते हैं जो मैं अजीब इसलिए कह रही हूँ कि मुझे लगता है उनको नहीं उनसे करने चाहिए. तो आज हम उन सवालों की बात करेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी प्रेग्नेंट मामा से नहीं करने चाहिए. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहले किया जाता है ना और जो बड़ा ऑड होता है, ये नहीं कह रही कि सब लोग ऐसे सवाल करते हैं, कुछ होते हैं लोग जो करते हैं कि ये आपका बेबी जो है वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड है. तो इसके लिए मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पर्सनल है ना कि सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि पूछने की हिम्मत कैसे होती है. तो ये क्वेश्चन हमें किसी भी प्रेग्नेंट मामा से नहीं करना चाहिए. और साथ ही एज गैप अगर कम हो तो भी ये सवाल उठता है कि इतना जल्दी क्यों, और अगर एज गैप ज़्यादा हो जैसे कि मेरा तो उस पर भी सवाल होता है, तो इतने साल क्यों, इलाज से हुआ कैसे हुआ. ये हर पेरेंट की अपनी चॉइस होती है. बहुत लंबा अगर गैप है, वो इलाज से हुआ है नहीं हुआ है, किसी का भी कंसर्न नहीं है. जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप के ऊपर होती है, वो उसको देखते हैं, कोई आकर नहीं पालेगा. तो इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस करने से पहले प्लीज़ सोचा करें. ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डिसीजन होता है हर फैमिली में कि कब पहला बच्चा होना है, कब दूसरा बच्चा होना है, होना है नहीं होना है, तीसरा होना है नहीं होना है. तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस अवॉइड किया कीजिए किसी भी प्रेग्नेंट मामा से पूछने के लिए. दूसरा जो एक सवाल उठता है वो ये होता है कि जब लोगों को ये पता चलता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन आता है कि लड़का है या लड़की. तुम्हें पता चला, या तो ये चीज़ होती है कि अगर बेटा है तो फिर ये चीज़ उसके दिमाग में डाली जाती है कि आई विश तुम्हें अल्लाह बेटी दे दे, और अगर बेटी है जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे पास ऐसे कुछ आते हैं कि बेटा हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बेटा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, बेटी तो है. बेटियों को सबसे पहली बात है, हमारी सोसाइटी में बेटियों को आज भी इतना अच्छा नहीं समझा जाता है. शायद अब अवेयरनेस आ गई है, कुछ घरों में खुशियां मनाई जाती हों. ये जो जब चीज़ आती है ना कि बेटा हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो लाइक इट्स अ वेरी बैड थिंग टू से किसी भी प्रेग्नेंट मामा को. अगर मेरी बेटी है और मेरी दूसरी बेटी हो जाती है तो क्या मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं होती? लाइक सोचिए. और कौन ये चीज़ें लोग कहते हैं जो खुद एक औरत होते हैं? आप भी तो किसी की बेटी हैं. तो ये जो चीज़ें ना, ये बड़ी मुझे और लगती है, और आई थिंक उन सब औरतों को लगती होगी जिनके एक बेटी के बाद दूसरी बेटी हुई है या तीसरी बेटी हुई है. तो लड़का होना इज़ नॉट एन अचीवमेंट, लड़की होना इज़ नॉट अ बैड थिंग. तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को करने से पहले किसी से भी सोचा करें कि बेटा होगा बेटी होगी. माँ बाप को ये चीज़ का एहसास नहीं फील वो करते हैं कि हमारे दो बेटियाँ हैं या हमारे दो बेटे हैं, मगर जो आसपास की सोसाइटी होती है वो एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें बेटी है बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा है बेटी नहीं है. तो ये क्वेश्चंस करने से पहले स्पेशली आंटीज बहुत ख्याल करें. तीसरा सवाल जो सुनने को बहुत मिलता है ना, मतलब अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसका वेट इंक्रीज नहीं हुआ है तो भी ऐसा समझा जाता है कि तुम कुछ खाती नहीं हो, अपना ख्याल रखो, बेबी छोटा होगा. और अगर कोई बहुत ओवरवेट हो गई है प्रेग्नेंट मामा तो उसको भी बोला जाएगा कि लाइक थोड़ा कुछ किया करो, वेट इतना गेन हो रहा है. तो देखिए, ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है. मुझे नहीं पता कैसे ये क्वेश्चंस उठते हैं लोगों के दिलों में और वो कह देते हैं लोगों से. अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसका वेट गेन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो फिट है, उसका बेबी हेल्दी है, वो डॉक्टर के पास प्रीनेटल अपॉइंटमेंट्स पे जाती है, आपसे ज़्यादा उसको अपने बेबी की फिक्र होगी. अगर उसका बम्प इतना शो नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं बम्प शेमिंग. ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में की जाती है. अगर किसी वुमेन का फ्रेम छोटा है तो डेफिनेटली उसका बम्प भी उसी के हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से होगा. अगर कोई औरत ऐसी है जिसका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसका बम्प बड़ा दिखेगा. तो इसमें ये डिसाइड करना कि अगर लड़की जो है वो दुबली है तो उसका बच्चा छोटा ऐसा पैदा होगा, इस तरह की बातें सोसाइटी हमारी करती है अनफॉर्चुनेटली, कि मुझे करते हम आ रही है. और अगर औरत का वेट ज़्यादा है तो इट डजंट मीन कि उसका बच्चा बड़ा पैदा होगा. बच्चा जो है एक एवरेज 2.5 kg से 3.5 kg तक का नॉर्मल होता है. तो इस तरह की बातें करने से पहले सोचना चाहिए. हर एक का जो मसल टोन होता है वो डिफरेंट होता है. अगर आपका पहला बेबी हो रहा है तो आपका बम्प इतना नहीं होगा, दूसरे बेबी में आपका बॉडी शेप
चेंज हो जाता है, आपके मसल्स डिफरेंट हो जाते हैं, उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, तो वो बम का शेप डिफरेंट होगा। और जो बम्स होते हैं ना, वो डिफरेंट शेप, साइजेस, मसल टोन 100 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। हाँ, अगर कोई मेडिकल रीज़न होगा तो वो माँ और डॉक्टर के आपस की चीज़ है। उसके दो रीजंस होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपका बम्प है तो आपके जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, और आपका जो है बेबी के अराउंड जो फ्लूइड होता है, मैं मेडिकल में इतना नहीं घुसूंगी, तो ये वो चीज़ हो सकती है कि पानी ज़्यादा है। और अगर बेबी बम्प जो है वो छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी ग्रो नहीं कर रहा, हो सकता है उसके साइड का एमनियोटिक फ्लूइड कम है, कोई भी रीज़न हो सकता है, प्लेसेंटा का साइज छोटा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बम्प शेमिंग है ना, इसको करना बंद कीजिए। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अवॉइड किया कीजिए। अगर किसी का बम कम है तो ये मत समझिए कि उसका बेबी अनहेल्दी है, और अगर किसी का बम ज़्यादा है तो ये मत सोचिए कि वो बहुत हेल्दी है। हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, और एक माँ से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी और को उसके बेबी की फिक्र हो सकती है। और एक और जो क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और यू शुडंट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन किसी भी प्रेगनेंट मामा से, वो ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन क्या सोचा है। एक तो चीज़ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि नॉर्मल क्या होता है, अगर सी सेक्शन से बेबी हो रहा है तो क्या वो एबनॉर्मल है। बहुत अजीब चीज़ आप लोग पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों ये सवाल उठता है। सिजेरियन सेक्शन से हट के बर्थ होना, वो भी एक औरत के लिए उतना ही पेनफुल है जितना सी सेक्शन से गुजरना है। सी सेक्शन को इतना बुरा समझा जाता है, सी सेक्शन जब कोई लेडी करवाती है ना, तो वो उसके कई रीजंस होते हैं। कोई भी मोड ऑफ डिलीवरी इज नॉट बैड, सबसे पहले तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मेन चीज जो होती है ना एंड में, आपको रिजल्ट क्या चाहिए कि माँ और बेबी की हेल्थ जो है वो परफेक्टली फाइन हो। तो उसके लिए ना ये सोचना कि सी सेक्शन कराया है तो तुमने तो माँ वाला वो दर्द ही नहीं झेला। नो, दिस इज़ वेरी बैड। लाइक क्यों नहीं झेला? सी सेक्शन में एक औरत के बॉडी को काटा जाता है, 7 तय काटे जाते हैं, अंदर यूट्रस काटा जाता है, फिर उसका बेबी निकाला जाता है। तो लाइक आप कैसे सोच सकते हैं कि उस औरत ने तकलीफ नहीं सही और जिसका सी सेक्शन नहीं हुआ उसने तकलीफ सही है? माँ तो माँ ही होती है ना। कोई औरत नहीं चाहती कि उसका जो स्टमक है उस पर कट लगाया जाए, जिंदगी भर तक उसके साथ वो स्कार रहता है। अक्सर जब लोगों को पता चलता है किसी की डिलीवरी के बारे में कि वो सी सेक्शन से हुई है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? नॉर्मल क्यों नहीं हुआ? नॉर्मल होना चाहिए था, सी सेक्शन करवा लिया। लाइक आपको क्या पता कि क्या प्रॉब्लम था? आज प्लीज़ सी सेक्शन को बुरा समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि सी सेक्शन में भी उतनी ही औरत को तकलीफ होती है जितनी एक बगैर सी सेक्शन के जो बर्थ देने में होती है। मेन चीज़ जो होती है ना वो ये होनी चाहिए कि सी सेक्शन हुआ हो या आपके नहीं हुआ हो सी सेक्शन, बेबी और माँ की हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो दोनों ठीक है तो मोड ऑफ डिलीवरी कोई भी हो। ये भी समझा जाता है कि सी सेक्शन एक ईजी वे आउट है, बस सी सेक्शन करा लिया जान छुट गई। नो, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ये जो औरत करती है अपनी बॉडी के साथ। तो प्लीज़ इस तरह से ना सी सेक्शन शेमिंग करना जो है उसको प्लीज़ सोसाइटी बंद कर दीजिए। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना कि अगर मैं ये वीडियो को चलाती रहूँ ना तो शायद ये चलती जाए, एक घंटा दो घंटे निकल जाए। क्वेश्चंस इतने सारे अजीब अजीब से किए जाते हैं प्रेग्नेंट मामा से। तो एक अभी मैं लास्ट एंड करने लगूंगी इस वीडियो को, जो बात जो कही जाती है आप कह सकते हो ये होती है कि सो लो, अभी सोने को नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसे मत डराइए उन प्रेग्नेंट मामास को, उसका बेबी है, उसको सोने को मिले ना मिले, माँ की नींद में कुर्बान बच्चे पर वो अपनी जान कुर्बान कर सकती है, तो नींद क्या चीज़ है? तो उसे डराना बंद कीजिए। फिर उसको इस तरह से डराया जाता है कि मेरा तो एक्सपीरियंस इतना बुरा था डिलीवरी का, बहुत अजीब होता है, बहुत ख़राब रहता है, अब तो खैर पैदा तो करना ही है। तो इस तरह की भी प्लीज़ बातें मत किया कीजिए किसी भी प्रेगनेंट मामा से। ये ऐसे क्वेश्चंस थे मैं गुजर रही हूँ, बिकॉज आई एम इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे जैसी कितनी ऐसी होंगी जो इन क्वेश्चंस को सुनती होंगी, और कितना ज़्यादा बुरा भी लगता होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जहालत है अभी भी जो सोसाइटी में है, इस तरह के क्वेश्चंस करना, इस तरह की बातें करना। तो प्लीज़ इतना आगे हम बढ़ गए हैं, 2024 में बैठे हैं, और इस तरह की सोच रखना, आगे निकल आइए, आगे बढ़िए, दुनिया बहुत आगे चली गई है, सबके अपने बहुत ज़िंदगी में काम है। तो ऐसे क्वेश्चंस करना एक औरत से, इट्स नॉट ईजी। ये 9 महीने कितने टफ होते हैं वो वही औरत जानती है जिससे गुजरती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, कोई चीज़ मेरी गलत लगी हो तो मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वाकई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं करने चाहिए किसी प्रेग्नेंट मामा से, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।